ओम शांति 12 चार 2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं मीठे बच्चे बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है लेकिन जो बाप की राय को फ़ौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं क्वेश्चन बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है आंसर सभी को गुलगुल गुल फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का ही है जैसे बाप कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं वही सर्व की सदगति करने आते हैं बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते तो बच्चे आपको भी सर्विस का सबूत देना है सुना अनसुना नहीं करना है बाबा जो सर्विस कहता है सर्विस करके बाबा को सबूत देना है ओम शांति रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते अपने को आत्मा समझो ये पाँच हजार वर्ष के बाद ही आकर सिखलाते हैं यह भी तुम बच्चे ही जानते हो किसी को भी पता नहीं है ये पुरुषोत्तम संगम युग है तुम बच्चों को यह याद रहे हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं यह मन मना भाव ही है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि अब वापस जाना है चौरासी जन्म पूरे हुए अब सतो प्रधान बन वापस जाना है कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं उसमें भी खास यहाँ अथवा बाहर में हैं बाबा जानते भले यहाँ बैठे देखता हूँ परंतु मीठे मीठे जो सर्विस बच्चे हैं याद उनको ही करता हूँ देखता भी उनको ही हूँ यह किस प्रकार का फूल है इनमें क्या क्या गुण हैं कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे बाप तो चुंबक प्योर है ना तो ज़रूर कशिश करेंगे परंतु बाबा अंदर में जानते हैं बाप अपना सारा पोता मिल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं बाप बताए आ? बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिख करके भेजो अथवा उनसे लिखवा करके भेजो जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियाँ होती हैं वो सब लिखवा करके भेजती हैं क्या धंधा करते हैं कितनी आमदनी है बाप अपना सब कुछ बताते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं सबकी अवस्था को जानते हैं किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है अभी ऐसी खुशबू है फिर जब सारा खेल हा? सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे तो बाप देखते रहते हैं ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं प्यार में नैन गीले हो जाते हैं ये सर्विस सेबुल कितनी सर्विस करते हैं इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं योग में बैठते ही नहीं ज्ञान की धारणा ही नहीं बाप समझते हैं ये क्या पद पाएंगे कोई भी छिप नहीं सकते बच्चे जो शालिम बुद्धिमान हैं सेंटर संभालते हैं उनको एक एक का पोता मिल भेजना चाहिए तो बाबा समझे कहाँ तक पुरुषार्थी हैं बाबा तो ज्ञान का सागर है बाबा का प्यार सब पर है इस पर एक गीत है तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार जो भी देना चाहिए दे दे कर दुनिया के पालनहार नंबर वार तो है ही तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाए बाबा भी समझे, बाबा के साथ लव है उनको कशिश होगी बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए परंतु जब तक जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी एक एक को देखता हूँ बाबा को सर्विसेबुल बच्चे चाहिए बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं पतितों को पावन बनाते हैं यह तुम जानते हो दुनिया वाले नहीं जानते क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं यह वह सत्संग नहीं है जो सुना सत सत करते हैं शास्त्र में शिरोमणि एक गीता है गीता में ही राजयोग है विश्व का मालिक तो बाप ही है बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा परंतु तो इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए जिसमें बहुत कमजोर हैं अभी थोड़ा टाइम है कहते हैं, मिठरा गुरु तो घुराए मुझे प्यार करो तो मैं करूं, यह है आत्मा का लव एक बाबा की ही याद में रहें इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते बाप समझाते या भक्ति की बात नहीं ये बाबा का रथ है इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पिए बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते ये तो पढ़ाई है हाथ लगाने से क्या होगा बाप तो है ही सब की सदगति करने वाला कोटों में कोई ही यह बात समझते हैं जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे भोलानाथ तो बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो इस पर ही हंगामा होता है बाप समझाते हैं अपने को देखो हमारे में क्या क्या अवगुण हैं व्यापारी लोग रोज़ अपना पोता मेल फ़ायदे घाटे का निकालते हैं तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी कि ये क्या ऐसी बाबा को हमने याद नहीं किया हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तुम कहेंगे पाँच हजार वर्ष कितना रात दिन का फ़र्क है जो बहुत पुरानी भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं अति भक्ति की है ना बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था नारायण का चित्र भी रखता था लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है जैसे हम ये शरीर छोड़ जाकर के सत्युग में दूसरा लेंगे बाबा को भी खुशी रहती है हम जाकर प्रिंस बनेंगे पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं मुफ्त में कैसे बनेंगे तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे कोई तो पढ़ते ही नहीं न दैवी गुण धारण करते हैं पोता मेल भी नहीं रखते पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो ऊंच पद पाने वाले होंगे नहीं तो सिर्फ शो करेंगे पंद्रह बीस रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं यहाँ तो परीक्षाएं आती हैं सब गुप्त हैं हर एक के क्वालिफिकेशन को बाबा जानते हैं बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है बाबा <coughs> बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते हैं यह कभी किसी को फारकती और डाइवोर्स नहीं देंगे ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ सबको गुलगुल बनाकर वापिस ले जाऊँगा तुम बचे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है वो तुम्हारे सामने बैठे हैं कोई को कितना निश्चय कोई को बिल्कुल नहीं आज यहाँ और कल चले जाएंगे ऐसे भी चलन है अंदर ज़रूर आएगा हम बाबा के पास रहकर बाबा का बनके क्या करते हैं सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या रोटी पकाना सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे नई बात है क्या सर्विस का सबूत देना है इतनों को रास्ता बताया ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं लेकिन चरित्र है एक ही बाप के वही सब की सदगति करते हैं इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके चर, चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है वो कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं तो बच्चों कुछ ही चीज आदतें छोड़नी चाहिए नहीं तो क्या पद मिलेगा माशुक भी गुण देख आशिक होंगे ना आशिक उन पर होगा जो उनको सर्विस उनकी सर्विस करते होंगे जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के ये बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं भल स्वर्ग में तुम जाएंगे तुम प्रलब्ध ऊँची बनानी चाहिए ना। कल्प कल्पांतर की बात है पोजीशन कम हो जाता है खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है सर्विस का सबूत चाहिए कितनों को आप समान बनाया तुम्हारी प्रजा कहाँ हैं बाप टीचर सबको तदबीर कराते हैं परंतु किसी की तकदीर में भी होना सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़ करके पति दुनिया पति शरीर में आते हैं नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाई कौन यह भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि सत्युग में राम राज्य कलयुग में रावण राज्य है राम राज्य में एक ही राज्य था रावण राज्य में अनेक राज्य हैं इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो परंतु मनुष्य यह नहीं समझते कि हम कहां हैं ये कांटों का जंगल है वह है फूलों का बगीचा तो अब फॉलो फ़ादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है तब ऊँच बनेंगे तो बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु कोई समझने वाला समझे कोई तो सुनकर अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करते हैं कोई तो सुना अनसुना कर देते जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है शिव बाबा याद हैं तो वर्षा भी जरूर याद आएगा दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पाने ही सकेंगे वहाँ कोई भूत होता नहीं रावण ही नहीं रावण के भूत कहाँ से आए देह अभिमान काम क्रोध लोभ आदि आदि ये बड़े ते बड़े भूत हैं इनको निकालने का एक ही उपाय है बाबा की याद बाबा की याद से ही सब भूत भागे भाग जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम नमस्ते रात्रि क्लास हैं बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें अपनी प्रजा बनाएं जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें माताएं जाती हैं कलश भी माताओं पर रखे हैं बाकी यह है तो प्रवृत्ति मारक दोनों चाहिए ना बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं देखते हैं ठीक जवाब देते हैं पांच तो अपने हैं एक शिव बाबा हैं कहीं तो कहने मात्र ही कहते हैं कहीं सचमुच बनाते हैं जो वारिस बनाते वह विजयमाला में पिरोए जाएंगे जो सच सच वारिस बनाते वह खुद भी वारिस बनते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते हैं इस समय पढ़लोकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बुद्धि में है ज्ञान कि यह तो सभी रहने के नहीं हैं बाप हरे की अवस्था को देखते हैं सच सच वारिस बनाए हैं या बनाने का ख्याल करते हैं वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं बहुत हैं जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश हैं इस समय या तो ईश्वर के वश और या माया के वश हैं ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बनेंगे वर्षा लेंगे माला आठ की ही होती है एक सौ आठ की भी होती है आठ तो जरूर कमाल करते होंगे सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे भल वारिस भी बनाते हैं वर्षा तो लेते ही हैं फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंचे होंगे कोई विकर्म ना हो विकार जो भी हैं सभी विकर्म ही है ना बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना यह भी विकर्म है बाप माना बाप बाप मुख से कहते हैं माँ में कम याद करो डायरेक्शन मिला है ना तो एकदम याद करना है उसमें है बहुत मेहनत एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे बाकी माया बड़ी जबरदस्त है समझ में आता है माया बड़ा विकर्म कराती है बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है दिन प्रतिदिन सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे गीता पाठशाला म्यूजियम खुलते रहेंगे सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे ब्रह्मा की भी मानेंगे ब्रह्मा को ही प्रजा पिता कहा जाता है आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं प्रजापिता पिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार वह निराकार हो गया वह हैं अनादि वह है भी अनादि कहेंगे दोनों का नाम हाइस्ट है वो रूहानी बाप वो प्रजापिता पिता दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं कितना हाइस्ट हुआ बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए कितनी खुशी होनी चाहिए परंतु माया खुशी नशे में रहने नहीं देती है ऐसे स्टूडेंट अगर विचार से अगर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं खुशी भी रह सकती है परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके अच्छा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट जी बाबा गुड नाइट धारणा के लिए मुख्य सारे रोज रात में पोता मिल देखना कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया अपना शो करने के लिए पोता मिल नहीं रखना है गुप्त पुरुषार्थ करना है सेकंड पॉइंट जो बाप सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है सर्विस का सबूत देना है सुना अनसुना नहीं करना है अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है वरदान है वैराग्यवृत्ति द्वारा इस आसार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले अच्छे राजऋ भाव राजऋ अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं क्योंकि जानते ही पुरानी दुनिया है ही आसार संसार इसमें कोई सार नहीं आसार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं हो जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राजऋषि तपस्वी स्लोगन योग युक्त बोल वह हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हों योग युक्त बोल वह हैं जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हों अब इशारा संस्कार की राज करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाएं, तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएंगी जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति होगी ओम शांति